हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। तो फ्रेंड्स, आपको हम दिखाने वाले हैं अपने खेतों में लगी हुई बेरी। जितनी ज़्यादा लगी हुई आप खुद ही देख पा रहे हैं, सच में बहुत बेरियाँ लगी हुई हैं। तो इस समय मेरी सिस्टर की शादी हुई है, तो सभी अभी लोग हम लोग गाँव में ही हैं, तो यहाँ पर हमारे खेत हैं, तो यहाँ अपने खेतों में घूमने चले आए। तो यहाँ पर आपको दिखा दूँ कितनी ज़्यादा बेरियाँ लगी हुई हैं, बहुत ज़्यादा, सच में आप खुद ही देख रहे होंगे। और हाँ फ्रेंड्स, बहुत मीठी, बहुत टेस्टी बेरी हुई लगी हुई थी। तो यहाँ पर सिस्टर और भाई और सब हम लोग खा रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। ये देखिए, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेरी लगी हुई है इस, ये देखिए, तो आपको पास में से भी दिखा दूँ। ये देखिए, जहाँ देखो बस पूरी, मतलब बेरी से पूरा पूरा पेड़ पौधा, मतलब लगा पूरा, मतलब लदा हुआ है। और सच में यहाँ पर बेरियाँ बहुत लगती हैं और टेस्टी भी बहुत होती हैं। और आगे आपको दिखाएंगे कि अपने खेतों में हमने क्या क्या बुआ रखा है इस समय। ये देखिए, ये देखिए, तो यहाँ पर भाई और मेरी सिस्टर बहुत मस्ती कर रहे थे। आपको दिखा दें तो यहाँ पर ये लगा हुआ है सरसों, सरसों की कटाई हो रखी है। ये देखिए, आपको दिखाते चलें तो कुछ सरसों पक गया है, तो उसकी कटाई हो रही है। ये देखिए, ये देखिए, तो फिर आ गए हम लोग बेरी की तरफ। भाई मेरा तोड़ रहा है और बदमाशी हो रही थी यहाँ पर। आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर हमने कुछ सरसों बो रखा था, वो पक चुका है, तो उसकी कटाई हो चुकी है। और आगे आपको दिखाते हैं, ये देखिए पूरा इतना कट चुका है सरसों। और आगे दिखाएंगे कुछ अभी जो नहीं पका हुआ है, हरा है, वो लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये लोग बेरी तोड़ तोड़ के खा रहे हैं, दोनों बदमाशी भी कर रहे हैं। और आपको आगे दिखाते हैं, अपने खेतों की तरफ ले चलेंगे। ये देखिए, सरसों कट चुका है, सूख गया है। अब इसको, इसके जो बीज वो निकालने का, झाड़ने का टाइम आ रहा है, क्योंकि इसको ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते हैं। ये देखिए, तो भाई साहब यहाँ पर खड़े हुए हैं, बेरियों पे लगे हुए हैं, खाए पड़े। और सच में मीठी बेरी बहुत थी, तो खाने का भी बहुत मज़ा आ रहा था। ये देखिए, आपको और दिखा दूँ थोड़ी सी, फिर चलते हैं अपने खेतों की तरफ कि हमने क्या क्या बो रखा है यहाँ पर। वैसे कोई ज़्यादा खास नहीं है आपको बता दें, लेकिन ख़ास तो इस समय मेरे पास दिखाने के लिए बेरियां हैं। आप सच में देखने के बाद मुंह में पानी आ जा रहा था, वो सच में हम लोग बहुत खाए थे, बहुत इंजॉय करे थे। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं अपने खेतों की तरफ। ये दिखा दूँ, हमने खेत बुआ रखे हैं, पूरी सरसों हैं जो इस समय कट चुकी है। तो यहाँ पर ये दोनों बदमाश यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं। तो ये जो हरी हरी सरसों हैं, इस ये जो और भी मार्च अप्रैल के टाइम में जाकर रेडी होगी, जाके अभी नहीं रेडी होगी, इसमें सिर्फ अभी फ्लावरिंग हो रही। ये देखो, सिस्टर अभी बेरी खा रही, मुँह चिढ़ा रही थी, तो हमने इसकी वीडियो बना ली, बहुत बदमाशी कर रही थी। ये देखिए, तो ये वाली जो सरसों, बगल में कटहल का पेड़ है, ये जो सरसों हैं ये अभी पकी नहीं है। और इसके बाद ये पास में आपको गेहूँ दिखा दूँ, ये वहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा गेहूँ का खेत है जो अभी कच्चा है अभी तो कोई। ये देखिए, पास में से दिखा दूँ तो इसमें जो बालियाँ हैं निकाले गेहूँ के, जो बालियाँ होती हैं वो आ चुकी हैं, लेकिन अभी इसमें गेहूँ, इसमें जो दाने अभी नहीं पड़े हुए हैं। अभी इसमें पापा कह रहे थे कि इसमें अभी 100-200 बारी और पानी लगाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको फिर और बता दूँ, अगर चैनल और वीडियो मेरी अगर पसंद आई हो, क्योंकि ये देखिए सरसों, ये मेरी अभी कुछ जो सरसों आपको दिखा दी, जो कच्ची सरसों अभी कुछ पकी नहीं है, तो उतनी कट चुकी है और इतनी अभी ऐसे ही पड़ी हुई, खड़ी हुई है, इसको काटना है। ये अभी 4 से 5 दिन बाद रेडी हो जाएगी। तो पापा कह रहे थे अब इसकी कटाई अभी नहीं होगी, रुक के होगी। तो ये दिखा दूँ आपको पास में से जूम करके, अभी काफ़ी कच्ची थी। ये देखिए, इसमें सही से दिख रही है, ये देखिए कितनी हरी लग रही है, इसलिए अभी इसकी कटाई नहीं होगी। और हाँ फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ खाने के वीडियोस आ रहे थे, तो इस समय मैं गांव आई हुई थी, तो हमने सोचा चलिए जो कुछ प्राकृतिक का नज़ारा दिखा दूँ, अच्छा लगता है। ये मेरे खेत हैं और मैं इस समय मेरे खेतों में यही बोया हुआ है, ये सरसों है, गेहूँ है, और वो थोड़ी सी हरी वाली अभी जो सरसों लगी हुई है रेडी नहीं है,